हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे क्विक फिक्स टेक। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक से रिलेटेड, एटीएम से रिलेटेड। आपको जैसे कि पता ही होगा सबको कि एटीएम चेंज हो रहे हैं, जिनके पुराने एटीएम हैं बिना चिप वाले, उनकी जगह नए एटीएम आ रहे हैं चिप वाले। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है चेंज किए जा रहे हैं एटीएम। तो एसबीआई वाले जो हैं उनके तो एटीएम घर पे ही आ रहे हैं, बैंक उनका जो है घर पे स्पीड पोस्ट से या जैसे भी डाक के द्वारा भिजवा रहा है। और कई बैंक ऐसे हैं जो बैंक से ही, बैंक अपनी ब्रांच में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। बट जो है इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको एटीएम तो मिल जाएगा पर उसका पिन नहीं मिलेगा, फिजिकल पिन वो नहीं दे रहे हैं इस बार। इस बार ग्रीन पिन करके आपको खुद ही जनरेट करना है पिन। तो कई लोगों को उसमें बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कैसे पिन जनरेट करें। पहले तो बैंक से मिल जाता था, वही यूज़ कर लेते थे, कोई चेंज करता था कोई नहीं करता था। बट अब जो है आपको खुद से ही अपना पिन बनाना है एटीएम मिलने के बाद। तो लगभग सभी बैंकों का एटीएम जनरेट करने का सेम प्रोसेस है, बट मैं खास करके आईओबी का बता रहा हूँ आपको। एसबीआई और दूसरे बैंकों का तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, पर मैंने देखा यूट्यूब पे आईओबी की कोई वीडियो नहीं थी, तो मैं खास तौर पे मैं जो है आईओबी की बना रहा हूँ ये वीडियो। और मेरे पास आईओबी का अकाउंट है तो मैं इसलिए बना भी रहा हूँ। तो आप भी अगर आईओबी के खाता धारक हैं तो आपके लिए काम की वीडियो है। आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको क्या प्रोसेस करना है, किस तरह से आपको नया एटीएम मिलेगा और कैसे आपको ग्रीन पिन जनरेट करना है। तो देखिए, पहले कुछ इस तरह के पिन जो अब भी हैं, इस तरह के एटीएम हैं पुराने जिन पे कोई चिप वुप नहीं है, ये एटीएम चेंज हो रहे हैं। आपका ये 2019 जो नया साल आएगा बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको तब फिर नया एटीएम चाहिए होगा जिसमें ये चिप है। ये देखिए, ये ऐसी चिप होगी, वही एटीएम कार्ड चलेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आप अगर आईओबी के कस्टमर है तो आपके पास एक मैसेज आया होगा कि अपना कलेक्ट कर लीजिए एटीएम आपकी ब्रांच से। तो वहाँ पर आप जाएंगे अपनी ब्रांच में और उनसे अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, तो आपको जो है आपका ये इस तरह का लिफाफा दे देंगे। आपको ये लिफाफा लेना है, इसमें एटीएम होगा, उसको लेकर सीधा घर नहीं जाना है, उसको एक्टिवेट करवाना है और वो बैंक वाले ही एक्टिवेट करेंगे। आपको एटीएम लेकर, ये लिफाफा लेकर जो है उसकी एंट्री करवा लेनी है, फिर उनको बोलना है कि इसको एक्टिवेट कर दीजिए, वो एक्टिवेट कर देंगे। उसके एक्टिवेट जैसे ही होगा, वो एक्टिवेट करेंगे कुछ मिनटों बाद या तुरंत या फिर कुछ देर बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है एक्टिवेट हो चुका है। तब फिर आपको क्या करना है, आपको एटीएम पर जाना है, आईओबी के एटीएम पे जाइए। अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, वो फ़ोन आपके पास उस टाइम होना चाहिए, और आपको नया एटीएम ले जाना है। आईओबी के एटीएम पे पहुंच के आपको जो है एटीएम कार्ड जो है आपका वो एटीएम में डालना है। तो वो फिर लैंग्वेज चूज करनी है, लैंग्वेज चूज करेंगे तो वो आपको जो है एक मैसेज आएगा एटीएम पर कि आपका ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, और वो ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा। कभी कभी होता है कि तुरंत आ जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे दोस्त का ये ओटीपी आया ही नहीं, अब तक नहीं आया है। तो उसका प्रोसेस दूसरा है, उसके लिए मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये चीज़ें आप वीडियो में देखेंगे अभी किस तरह से मैंने जनरेट किया, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। तो बैंक का प्रोसेस मैंने बता दिया, बैंक में क्या करना है, कैसे जाना है, आपको चेक करना है आपके फ़ोन पे मैसेज आया है कि नहीं आया है। आया होगा, नहीं आया तो बैंक में जाके बात करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा या फिर जो भी होगा बैंक वाले आपको बता देंगे। तो मेरे में तो मैसेज आ गया था इसलिए मैं चला गया था और मेरे को मिल गया। तो ठीक है, वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ एटीएम जन को पिन जनरेट, ग्रीन पिन।
वही सेम प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एटीएम डालता हूँ मैं, लैंग्वेज चुननी है इंग्लिश। प्लीज रीइंसर्ट, ओटीपी आ जाएगा मेरे फोन में। फिर देखते हैं, इंग्लिश प्लीज एंटर योर ओटीपी। अभी तक ओटीपी तो आया नहीं, देखता हूँ आ गया कि नहीं आ गया। 156930 ओटीपी आ गया, मैं डाल देता हूँ। 156930 कंफर्म। प्लीज एंटर योर न्यू पिन, न्यू पिन मैं डाल देता हूँ, सीक्रेट रखता हूँ। फिर से पिन डालना है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज टेक योर कार्ड। ठीक है, ये हो गया है, आईओबी में पिन न्यू जनरेट हो चुका है मेरा। थैंक यू, देख लेता हूँ चालू हुआ है कि नहीं, ट्रांजेक्शन देख लेता हूँ। एटीएम कार्ड इंसर्ट करता हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश, प्लीज एंटर योर पिन। फास्ट कैश बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, मतलब ओके, ये स्लिप भी आ गई है, मेरा एटीएम ठीक है, पिन जनरेट हो गया सक्सेसफुली। तो आपको भी ऐसा ही करना है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की काम की वीडियो मैं जब भी बनाऊं और तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ ये करने से आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इतना मेरे लिए कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.